आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रावण महाराज पहुंच गए हैं मारीच के पास। मारीच से अपना स्वार्थ सिद्ध करवाना है, जानता है रावण। उसके मन में जो कुचक्र है, जो उसकी योजना है, जो मंसूबा उसने बांध रखा है, अच्छी तरह से जानता है कि उसे केवल मारीच पूरा कर सकता है। और रावण इस बात को प्रचारित नहीं करना चाहता। सीता हरण की बात को रावण ने अति गोपनीय रखा था। वह नहीं चाहता था कि इस पर किसी प्रकार की कहीं से कोई प्रतिक्रिया आए, उसे अपने परिवार में कहीं किसी प्रकार का कोई विरोध सहना पड़े। तो चुपचाप गुपचुप सारे काम उसने करने चाहे, और इसीलिए अपनी सारी सुरक्षा व्यवस्था को धत्ता बताते हुए चुपचाप वो अकेला मारीच के पास पहुंच जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, बहुत गोपनीय बात है। अब सार्वजनिक वो इस बात को नहीं कर सकता, ये उसके अपने मन का एक बहुत गहरा राज है। चुपचाप उसे इन सब चीज़ों को अंजाम देना है। तो अब मारीच के पास पहुंच चुका है रावण। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात। सबसे पहले तो मारीच ने रावण की पूजा की। सम्राट है लंका का, तो परंपरा के अनुसार सम्राट यदि घर आता है तो उसकी पूजा माने यथोचित आतिथ्य सत्कार बनता है करना। तो वह मारीच ने किया। सबसे पहले रावण आया है, लंका का राजा है, तो शिष्टाचार का तो निर्वाह करना ही होगा ना। पूजा की, तब सादर पूछी बात, और उसके बाद बड़े आदर के साथ मारीच रावण से कहता है, कवन हेतु मन व्यग्र। पहले तो ये बताइए, किस कारण से आपका मन इतना व्याकुल है? कोई तो कारण होगा। क्योंकि मारीच समझ गया कि रावण यूं ही उसके पास नहीं आ गया है, और आके उसने पहले नमस्कार किया है। रावण और किसी को नमस्कार करते मतलब ही नहीं होता, झुकना तो उसने सीखा ही नहीं। और यदि वह मारीच को आकर नमस्कार कर रहा है तो इसका अर्थ है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है, बहुत ही बड़ी। मारीच समझ तो गया था, फिर भी वह पूछता है कि क्या बात है, आप बहुत व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। व्याकुल है तभी तो आया है। रावण अगर खुशी में होता, मौज मस्ती में होता, तब उसे क्या मतलब था मारीच के पास आने का? कौन मारीच, कैसा मारीच, किसका मारीच, अपनी दुनिया में मगन रावण। लेकिन अब फंस गया है एक समस्या में, और उसका हल है मारीच के पास। और मारीच सारी चीज़ें समझते हुए पूछता है कि किस कारण से व्याकुल हैं आप, अति अक्सर आए हो तात, और अकेले ही चले आए आप मेरे पास। कोई राजकीय व्यवस्था आपके साथ नहीं चल रही, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, जो परंपरा होती है पूर्व सूचना देने की, सम्राट आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक अकेले ही आप मेरे पास आ गए हैं। लगता है कि बहुत कोई धीर गंभीर समस्या है जिसने आपको परेशान कर दिया है, बताइए क्या है। दसमुख सकल कथा तही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। कह रहे हैं तुलसीदास जी की ये जो रावण है ना, बड़ा अभागा है। अभागा किस रूप में? कि इसने मारीच को सारी बात बताई, और बड़े अभिमान के साथ बताई, गर्व के साथ बताई, घमंड नहीं छोड़ा बात बताते हुए भी। किस प्रकार से लक्ष्मण ने
शूर्पनखा के नाक कान काटे, फिर खर दूषण तिरशिरा इनका वध किया और रावण का मजाक उड़ाया, सारी बातें बता दी, अभिमान के साथ बताए। हों कपट मृग तुम छलकारी, जय विद हरो आनो निरपनारी। अब अपने मतलब की सीधी बात रावण कहता है, हों कपट मृग तुम छलकारी, कि तुम छल करने में बड़े निपुण हो, मायावी शक्तियां तुम्हारे पास हैं, और तुम क्या करो, तुम उस छल से एक माया का सृजन करो, मृग माया का, ऐसी माया जिसका सहारा लेकर जेहि विद हरि आनो निरपनारी, जिससे कि मैं उस राजवधु का हरण कर सकूं। वह जो राम है, राजकुमार राम, उसकी जो पत्नी है, राजकुमारी है, राजघराने की है, मैं उसका हरण करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। रावण की बात सुनकर मारीच कहता है कि हे दशानंद सुनो, ध्यान से सुनो, ते नर रूप चराचर ईसा, जिनकी पत्नी का अपहरण करने की बात कर रहे हैं, जानते हैं वह कौन है? ये जो चराचर जड़ चेतन के स्वामी हैं प्रभु श्री राम, सबके जो ईश्वर हैं, उनकी पत्नी है, क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? ते नर रूप, जो मनुष्य के रूप में यहाँ पर विचर रहे हैं, मनुष्य का अवतार लेकर जो यहाँ पर आए हैं, किंतु हैं इस चराचर जगत के स्वामी, तुम उनकी पत्नी का हरण करने की बात सोच रहे? तासो तात वैरु नहीं कीजिए, मारे मरिए जी आए जिए। इसलिए तासो तात, इसलिए तात, तुम वैरु नहीं कीजिए, उनके साथ बैर मत साधिए, परमात्मा है, परमात्मा से बैर साधोगे। मारे मरिए जियाए जीजे, हम सबका मरना जीना सब कुछ उनके हाथ में है, और जिनके हाथ में हमारा जीना मरना है, उनसे बैर करने जा रहे हैं आप? कुछ सोचा भी है क्या कर रहे हैं? मुनि मख राखन गए हूं कुमारा, रावण हो सकता है इतनी बात से न समझे, तुम्हारी समझाने के क्रम को आगे बढ़ाता है अपने, और रावण से क्या कहता है कि आपको याद होगा विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए दो राजकुमारों को लेकर आए थे, और उन्हीं दोनों राजकुमारों ने ताड़का का वध कर दिया था, सुबाहु को मार दिया था, याद होगा आपको? रावण कैसे भूल सकता है, रावण को याद है। तुमारीच रावण को वहीं लौटा ले चलता है उस समय में। मुनि मख राखन गए हूँ कुमारा, बिन फर सर सर रघुपति मोहि मारा। कहते हैं उस समय यज्ञ की रक्षा कर रहे थे प्रभु श्री राम, और उन्होंने मुझे एक तीर मारा, सुबाहु तो मारा ही गया था, मेरी बारी, तो एक तीर मारा जो कि बिना फल के था, जिसकी नोक नहीं थी, ऐसा तीर मारा जो साधारण तीर था, और उस तीर को लगने से क्या हुआ, सत योजन आए हूँ छन माहे, एक क्षण में मैं 100 योजन दूर जाके गिरा, मेरी छाती फट गई, ऐसा तीर मारा उन्होंने। अगर फल वाला तीर मारते, नुकीला तीर मारते, तो बचने की संभावना ही नहीं थी, और मुझे लगता है कि राम नहीं चाहते थे मैं मारा जाऊं, वे मुझे दंडित करके छोड़ देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घातक बाण से मुझ पर प्रहार नहीं किया, चाहते तो कर सकते थे, ऐसा बाण मारा कि मैं ऐसा घायल हो जाऊं
कि मेरी बुद्धि सही रास्ते पर आ जाए, और आ भी गई। तिनसन बैरु किए नहीं भल नाहे, और इसलिए दशानन उनके साथ बैर मत करो, बिल्कुल भी भला नहीं होगा तुम्हारा, भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाही, जहाँ ता मैं देखूं दो भाई। कहते हैं तुलसीदास जी मारीच के मन का हाल, कि मारीच रावण को समझाते हुए कहता है कि प्रभु श्री राम का वो जो तीर मुझे लगा था ना, उस तीर के कारण मेरी गति कीट भृंग कीट के समान हो गई, भृंग कीट के समान, कि मुझे हर समय बस वो दोनों ही भाई दिखाई देते थे और कुछ नहीं दिखता था मुझे। जहाँ देख रहा हूँ राम और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मेरे मन में आतंक उनका बैठ गया था, आज तक उस भय को मैं अनुभव करता हूँ। जहाँ देखता हूँ बस वहाँ राम और लक्ष्मण ही दिखाई दे रहे हैं, तो मैं तो बस अब उन्हीं का हो चुका हूँ, ये समझ लीजिए, उनसे इतना डरा बैठा हूँ मैं। जो नर तात तदपि अतिसूरा, तिन ही विरोध न आई ही पूरा। कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, रावण से कह रहा है मारीच कि यद्यपि वो मनुष्य हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं अवतार धारण करके इस समय, लेकिन इन सब के बाद भी वे अति बलवान हैं। जो नर तात तदपि अति सूरा, तद भी बहुत शूरवीर हैं वे, तिन ही विरोध न आए ही पूरा, और उनसे विरोध करके आपका पूरा नहीं पड़ेगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप यदि सोच रहे हैं कि मैं राम से बैर करके सफल हो जाऊंगा, विजयी हो जाऊंगा, भूल जाइए, पूरा नहीं पड़ेगा। आप तो इंसानों को कुछ समझते ही नहीं है कि मनुष्य आपके लिए कीड़े मकोड़े हैं, और उसी परमात्मा ने मनुष्य के रूप में ही देह धारण की है, समझ लीजिए, समझ लीजिए, मैं समझा ही रहा हूँ। जेहे ताड़ का सुभाव हत खंडे हु हर को दंड। कहते जिन्हें आप समझ रहे ना कि एक आम इंसान है क्या राम, आप बार बार कह रहे हैं एक राजकुमार है, मैं उस राजकुमार की उस राजवधु का हरण कर लूँगा, आप राम को एक सामान्य मनुष्य देख रहे हैं, कहाँ गई आपकी समझ, कहाँ गई आपकी बुद्धि। यदि राम सामान्य मनुष्य हैं तो मुझे एक बात बताइए, जय ही ताड़ का सुबाहु हत, जिसने ताड़का और सुबाहु का वध कर दिया, देखते ही देखते मार डाला ताड़का और सुबाहु को, और खंडे हु हर को दंड, और भगवान शिव का वह धनुष जिसे अच्छे अच्छे नहीं हिला पाए, हिला ही नहीं पाए, और उसे उस धनुष को प्रभु श्री राम ने तोड़ दिया, इसी मनुष्य ने तोड़ दिया जिसे आप साधारण मनुष्य कह रहे हैं। खर दूषण तिसिरा बदेहु, खर दूषण और तिरशिरा का वध कर दिया, मनुज की अस बरिबंड, ऐसा प्रचंड बलशाली क्या मनुष्य हो सकता है, हैं? दशानन है आप, दस दस बुद्धियां हैं, मत मारी गई है क्या, समझ नहीं आ रही बात। कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि राम क्या है, एक सामान्य सा राजकुमार है, तो एक सामान्य राजकुमार ताड़का को मार देगा, सुबाहु को मार देगा, शिव का धनुष तोड़ देगा, खर दूषण तिरशिरा इन सब का वध कर देगा सामान्य मनुष्य। समझ नहीं आ रही आपको बात कि राम सामान्य मनुष्य नहीं है, अवतार हैं, और आप समझना ही नहीं चाह रहे, जानना ही नहीं चाह रहे। जाओ भवन कुल कुशल बिचारे, मारीच कहता है कि जाओ अपने भवन में लौट जाओ और अपने वंश का कुशल देखो,
नहीं तो वंश समाप्त हो जाएगा। रावण को इतनी बड़ी चेतावनी मारीच ने दे डाली कि जाइए महाराज, अपने महल में जाइए और अपने वंश की रक्षा कीजिए, राम के साथ बैर मत साधिए। इतनी बात रावण से कोई कह जाए, रावण उसका सिर काट देता था। हिम्मत नहीं इतनी बात कोई रावण को बोल जाए। मारीच अनेक कारणों से यह बात बोल गया। पहला कारण कि रावण स्वयं चलकर आया है, तो थोड़ा सा तो रावण दबा हुआ हो गए, खुद आया है चलकर। फिर दूसरी बात, मारीच का वो महत्व समझता है, तो जिसका हम महत्व समझते हैं उसकी कुछ कड़वी बातें भी सह लेते हैं। तो यह सोचकर कि रावण मेरी कड़वी बातों को भी सह लेगा और उसको अच्छा मार्ग में दिखा दूं, मारीच ने रावण को फटकारा, एक सम्राट को फटकारा, अहंकारी सम्राट को। रावण से बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनत जरा, सुनते ही रावण जलने लगा। जिसके सामने कोई ऊंचा नहीं बोल सकता, उसे इतनी बड़ी शिक्षा दे डाली। जलने लगा रावण, आग लग गई उसके तन बदन में मारीच की ये बात सुनकर। दिनेश बहु गारी, और उसने बहुत सारी गालियां मारीच को दी, गालियां देनी शुरू कर दी मारीच को। और गालियां देकर जब थक गया, तब रावण मारीच से क्या कहता है, गुरज में मूड करस मम बोधा, कि अरे मूर्ख ओ मूड, तू मेरा गुरु बनकर मुझे बातें सिखा रहा है, मुझे लंकेश को, रावण को तू मेरा गुरु बनना चाहता है, मुझे उपदेश दे रहा है, मुझे सलाहें दे रहा है। मैं तेरे पास यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे बताने आया हूँ तुझे करना क्या है, और तू मेरा गुरु बनना चाहता है, मुझे रास्ता दिखाना चाहता है। आग लग गई रावण के तन बदन में। कहूँ जग मोही समान को जोधा, कि अरे मूर्ख तू मुझे बता कि संसार में मेरे समान बलशाली योद्धा भला और कौन है, और तू मेरे सामने राम की प्रशंसा कर रहा है, बता रहा है कि राम ने कितने कितने वीरता के कारनामे किए, और ये राम सामान्य मनुष्य नहीं अवतार हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बात करने की, मैं त्रिलोकी, मैं अमर और इतना बड़ा योद्धा, बता कोई है मेरे समान कोई योद्धा। तब मारीच हृदय अनुमाना, रावण से इतनी गालियां खाने के बाद, अपमानित होने के बाद, रावण का क्रोध देखने के बाद, मारीच ने मन ही मन अनुमान लगाया, विचार किया, न ही विरोध नहीं कल्याणा। क्या विचार किया कि मुझे रावण के विरोध में नहीं जाना चाहिए। मारीच बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था अपने समय का, तो उसके मन में आवाज उठी कि कहाँ तू रावण के विरोध में जाकर अपनी मृत्यु को बुला रहा है, क्या तुझे पता नहीं कि 9 चीज़ों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए। अब वो कौन सी 9 चीज़ें हैं सुन लीजिए। मारीच ने अपने मन ही मन में अनुमान लगाया कि शास्त्र कहते हैं 9 चीज़ों से बैर कभी मत साधो, और रावण भी उन 9 में से एक है, तो मारीच तुझे रावण के विरोध में नहीं जाना चाहिए, मारीच का मन समझा रहा है। अब वे 9 बातें कौन सी हैं वे जान लीजिए। शस्त्री, सबसे पहली जो चीज़ है वो है शस्त्री। शस्त्री अर्थात शस्त्रधारी, जिसके पास हथियार हों उससे विरोध नहीं साधना चाहिए, बैर नहीं साधना चाहिए। आपने देखा होगा सभी फिल्मों में कि जो हथियार लेकर लोग आए हुए हैं, उनका जो विरोध करता है, बोलता है, चिल्लाता है, वो फौरन उसे मार डालते हैं।
तलवार है तो तलवार से मार देंगे, बंदूक है तो बंदूक मार देंगे, जो भी हथियार है, किसी भी काल की फिल्म हो, पुराने ज़माने की होगी तो तलवार से काट देंगे कि अच्छा मेरे विरुद्ध बोल रहा है। तो जिसके हाथ में हथियार है उसके सामने यदि उल्टा बोलोगे, विरोध करोगे, तो गुस्से में भर के मार देगा तुमको। तो इसलिए मारीच का मन उसे समझा रहा है कि देख रावण शस्त्रधारी है, शस्त्र है इसके पास, अभी गुस्से में आ गया तो तेरा सर तेरे धड़ पे नहीं रहेगा, गर्दन काट देगा ये तेरी, विरोध मत कर। और अब दूसरा मर्मी, मर्मी माने जासूस, जासूसों से भी विरोध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक संस्था में बॉस होता है और बॉस के ढेर सारे चमचे होते हैं, वो चमचे उसके जासूस होते हैं। एक ईमानदार आदमी यदि उनके जासूसों के साथ विरोध रखेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा, तो वे जासूस अपने बॉस को जाकर ये नहीं कहेंगे कि जी आदमी वो ईमानदार है, बेशक से हमारा विरोध करता है ना, वो बॉस के कान भरेंगे जाके, बॉस को भड़काएंगे। तो इसलिए जो मर्मी लोग होते हैं, भेद लेने वाले, भेदिए, भेदियों के साथ विरोध मत करना। भेदियों के साथ विरोध किया, तुम्हारी झूठी सच्ची शिकायतें बॉस को लगाएंगे और तुम्हें मुश्किलों में दो चार कर देंगे। प्रभु यानी समर्थ व्यक्ति, शक्तिशाली, जिसके पास सारी ताकत है, शक्ति है, उसका विरोध करेंगे तो क्या होगा, नुकसान पहुंचाएगा वो। सठ, सठ माने मूर्ख, मूर्ख का विरोध नहीं करना चाहिए, न उसे सलाह देनी चाहिए। ये सारे शास्त्रों की बातें इस समय मारीच के मन में एक एक करके आ रही हैं। मारीच का मन ही मारीच को समझा रहा है कि अरे मूर्ख, तो कहाँ उलझ रहा है रावण के साथ। रावण कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो किसी की कही हुई बात समझ जाए, एक नंबर का ज़िद्दी आदमी। तो उस ज़िद्दी को समझाने निकला है, ऐसे मूर्ख को। तो सठ को यदि मूर्ख को समझाओगे तो मूर्ख तुम्हारा अहित कर देगा। एक छोटी सी कहानी है कि इस बात को समझाने के लिए बता रहा हूं। चिड़िया अपना घोंसला बना रही है, उसमें दाने लाला कर इकट्ठा करती है, तो उसने देखा कि बंदर खेल रहे हैं अपना मजे से। तो उसने कहा, बंदर भाई सर्दियां आने वाली है, तुम भी थोड़ा बहुत पेड़ के कोटर में कुछ अपना अन्न वगैरह इकट्ठा कर लो, अपना कोई घर बना लो। बंदरों ने कहा कि अरे ये मूर्ख चिड़िया, हमें सलाह मत दे, अपना काम कर। चिड़िया चुपचाप काम करती रही, सर्दियां आई, सर्दियों में बारिश आई। अब चिड़िया तो आराम से अपने घोंसले में बैठी है, दाना रखा हुआ है वहाँ खा रही है, सुखी है। बंदर भीग गए बारिश में, ठंड बढ़ रही है, ठिठुर रहे हैं, दांत किटकिटा रहे हैं। तो चिड़िया घोंसले से बाहर झांकती और कहती कि बंदर भैया, मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अपना कोई घर बना लो, कुछ दाने पानी का इंतज़ाम कर लो। अब देखो ठंड में ठिठुर रहे हो ना। अब चिड़िया की ये बात सुनकर बंदर के तो तन बदन में आग लग गई, गुस्से में भरा उसने चिड़िया का पूरा घोंसला तोड़ डाला, बच्चे बच्चे उसके सब मरमरा गए, बेघर हो गई चिड़िया। तो इसलिए जो मूर्ख लोग हैं उनको उपदेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि उपदेश सुनने के बाद मूर्ख उपदेश देने वाले का ही अहित करते हैं। इसलिए मूर्खों का तो एक ही उपाय है, एक ही इलाज है कि बस चुपचाप उनकी बात सुन ली जाए, उनसे बहस ना की जाए। और इसीलिए अब मारीच ने ये संकल्प लिया है कि वो रावण से बहस नहीं करेगा, उलझेगा नहीं। अगला है धनी, धनी से विरोध नहीं करना चाहिए। धन जिसके पास है उसके पास शक्ति है,
नुकसान पहुंचा देगा। वैद्य चिकित्सक यानी डॉक्टर, डॉक्टर से भी विरोध मत करो। हमारे देश में तो करते ही नहीं है डॉक्टर से विरोध, हमारे यहाँ तो डॉक्टर साहब जी बोलते हैं, विदेशों में तो सिर्फ इतना ही बोलते हैं डॉक्टर प्लीज़ बात सुनिए, वहाँ जी वगैरह कुछ नहीं लगाते। हमारे देश में तो डॉक्टर को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दिया जाता है, जो डॉक्टर से मिलने जाता है डॉक्टर साहब जी ऐसे बोलता है। और ज़्यादातर डॉक्टर अहंकार में भर जाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा कई डॉक्टरों को गुस्से वाले, पेशेंट से बात करेंगे पेशेंट डर के मारे कांप रहा है और वो गुस्से में बात कर रहा है डॉक्टर, उसकी अपनी ईगो इतनी हाई है, प्रेम का तत्व नहीं, गुस्से में बात कर रहा है पेशेंट से। और जिसको कहते ना बड़ा रूड रिजिड और ब्लंट खुंडा जैसे होता है इस तरह से, तो चिकित्सक से यदि विरोध करोगे तो हो सकता है चिकित्सक गलत चिकित्सा कर दे या चिकित्सा करने से मना ही कर दे, तब क्या कीजिएगा। तो इसलिए डॉक्टर के आगे भी हाथ जोड़ कर रहना पड़ता है, ये तो हम हिंदुस्तानी खूब अच्छे से जानते हैं, डॉक्टर के आगे हाथ जोड़े रहो, मजबूरी है हमारे, वही मजबूरी मरीज बता रहा है। और बंदी, बंदी माने राजा के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा की स्तुतियां करते हैं, राजा के चमचे ऐसा समझ लीजिए, तो उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि वो राजा को भड़का देंगे आपके विरुद्ध। कवि, कवियों से भी विरोध मत करो। अब क्यों कवि कहा, कवि को समझ लीजिए, कवि माने मीडिया। जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की या जो काल था रावण का भी, उस समय भी मीडिया उस समय भी था सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया क्या होता था, कवि होते थे वो, गा गा कर राजा की स्तुति करते थे, गांव गांव शहर शहर जाते थे राजा के गीत गाते थे, तो वो मीडिया था उस समय का सोशल मीडिया। तो मारीच का मन कह रहा है कि देख भाई ये जो कवि लोग हैं ना इनसे भी विरोध मत करना, वरना तुम्हारी बदनामी के गीत गाएंगे, तुम्हारी तारीफों की नहीं गाएंगे। अब सोशल मीडिया है, इतने चैनल हैं न्यूज़ चैनल, उनसे आप विरोध कीजिए तो सब आपकी बुराइयां ही बुराइयां करेंगे, कोई तारीफ नहीं करेगा, और उन बुराइयों के आधार पर पूरा संसार आपके लिए एक अपने मन में एक निर्णय बना लेगा, एक निर्णय बना लेगा आपको, चाहे वह जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मीडिया ने जो कह दिया वो ब्रह्म वाक्य हो गया, जैसे विधाता ने लिख दिया, अब मीडिया की बात मानेगा पूरा संसार। तो इसलिए तुलसीदास जी मारीच के माध्यम से बता रहे हैं कि जो मीडिया है ना उससे भी विरोध मत करो, नहीं तो आपकी गलत पब्लिसिटी कर देगा। भानस गुनी और रसोइया, रसोइये से भी विरोध ना करें, ये तो आप सभी जान गए होंगे कि रसोइये से विरोध ना करने की बात क्यों कह रहे हैं, खाना तो वही बनाएगा, कुछ गड़बड़ कर दी तब तो, इसलिए रसोइये को खुश रखना पड़ता है, डांटा भी नहीं जाता रसोइये को ज़्यादा कि कहीं डांट दिया रसोइये को और वो खाने में कुछ गड़बड़ कर गया तो तब डांटने वाला ही नहीं रहेगा, तो इसलिए रसोइयों को बड़ा संभाल कर रखा जाता है, विरोध नहीं किया जाता उनके साथ। अब ये सारी चीज़ें मारीच के मन ने मारीच को समझाई, सावधान किया। उभय भांति देखा निज मरना, बहुत सोच विचार किया मारीच ने और ये देखा, ये जान लिया मारीच ने कि मारीच दोनों स्थितियों में, उभय भांति यानी दोनों स्थितियों में तेरा मरना तो तय है। मारीच समझ गया कि तेरा समय आ गया है, मरना तेरा तय है, तू रावण की बात नहीं मानेगा अभी रावण मार देगा, मान लेगा तो राम के हाथों मारा जाएगा, मरेगा तो तू सही अब
तो वही बात है ना जो शुरू में कहा था, भगवान शिव समझा रहे हैं पार्वती को कि पार्वती सुनो कि अगर नीच व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति आकर तुम्हारे आगे सिर झुकाता है तो समझ लो कुछ बुरा होने वाला है। ब्राह्मण ने मारीच को आके सिर झुकाया, परिणाम क्या निकला कि मारीच कह रहा है कि अब तो दोनों स्थितियों में मेरा मरना तय है। उसने सिर झुका दिया ना रावण ने तो मेरी जान लेकर ही मानेगा। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनाथ सरना। तब मारीच ने प्रभु श्री राम की शरण में जाना ही उचित समझा। वो वही ताकने लगा राम की तरफ। उतर देत मोहि बदब अभागे। मारीच सोचने लगा कि अगर मैं रावण को उत्तर देता हूँ कि मैं तो मृग माया की रचना नहीं करूँगा, मैं तो सीता हरण में तेरा सहायक नहीं बनूँगा, अगर मैं ये उत्तर रावण को देता हूँ तो रावण तत्काल मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं उसके किसी काम का नहीं रहा, काम का पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं रहूँगा, और वो इसे अपना अपमान समझेगा और उसकी बात कहीं चारों तरफ फैल ना जाए, उसको भी संभालने के लिए उसके पास एक ही रास्ता होगा कि वह मारीच को मार दे, और वह मार देगा। तो ये तो तय है। कस ने मरो रघुपति सर लागे, तो क्यों ना मैं प्रभु श्री राम के तीर के द्वारा ही मारा जाऊं, मरना तो है, तो रावण के ही हाथों क्यों मरूं, राम के हाथों क्यों ना मरूं। मारीच निर्णय ले लेता है कि मुझे रावण का साथ देना है और मरना प्रभु श्री राम के बाण से है। अब बात बहुत गहरी चलने वाली है आगे, बहुत गहरी, और इन गहरी बातों के साथ बहुत कुछ सीखना समझना भी है, बहुत कुछ सिखाती है राम कथा, बहुत कुछ, और इतना बहुत कुछ कि वो बहुत कुछ सब कुछ है, बस ये समझ लीजिए। समझ को बढ़ाने की यात्रा, शेष फिर रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। सीता राम सीता राम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे तो सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम।